का ये माइलेज दे रही है सिटी में। वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम रितेश और मैं वेलकम करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ किया सोनेट एसटीके 1.5 लीटर डीजल इंजन। सो लास्ट ईयर मैंने ये गाड़ी ली थी, तो मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि इसके प्रोस क्या है, कौनस क्या है, क्या क्या इसमें अच्छी बातें हैं और क्या क्या इसके जो दिक्कतें आ रही है गाड़ी में, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या क्या इशू है। सो अराउंड ये गाड़ी 16,000 किलोमीटर चल गई है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे बढ़िया मुझे जो चीज लगी, जो किसी को भी इस गाड़ी में सबसे बेस्ट लगी, वो इसके लुक्स। इसके लुक्स बहुत मस्कुलर, जो इसका फ्रंट व्यू है वो लायन नोज के अराउंड ऐसे टाइगर नोज के हिसाब से बना हुआ है, और आपका लुक्स देख सकते हो कि प्रॉपर कॉम्पैक्ट एसयूवी को जो डिफाइन कर सकती है वैसा इसका लुक्स है। जो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है 16 इंच के जो अलॉयज है इसके वो। सो मुझे जो अगली चीज़ इसमें सबसे बढ़िया लगी वो इसका ग्राउंड क्लियरेंस। 16 इंच के जो अलॉय व्हील्स है इसके सबसे बेस्ट है। मैंने इसे ड्राइव करा अराउंड 17,000 किलोमीटर्स, रूरल एरियाज में भी, ऑफ रोड भी करा और ऑन रोड भी चलाई, ये हाईवे पे भी चलाया। बट जो इसके अलॉयज है वो आपको बहुत ही बेनिफिट करते हैं, ऑफ रोडिंग में भी, ऑन रोड में भी, स्टेबिलिटी भी बहुत ज़बरदस्त प्रोवाइड करते हैं। सो अराउंड इसको मैंने 16,000 किलोमीटर चला दिए लास्ट 1 ईयर में। तो मैं आज आपको एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा इस गाड़ी को लेकर। जो सबसे पहली चीज़ मुझे अच्छी लगी उसकी स्टेबिलिटी, जो स्टीयरिंग की स्टेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा स्टिफ भी नहीं है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है। तो आप एक तरह से कह सकते हो कि प्रॉपर है। मैंने इससे ऑफ रोडिंग भी करी और मैंने इससे हाईवे पर भी चलाया, तो आपको मतलब आप कह सकते हो हाई स्पीड में भी प्रॉपर स्टेबिलिटी मिलती है। ऐसा नहीं कि आप हाई स्पीड पे जा रहे हो तो आपकी जो स्टीयरिंग है एकदम लूज हो जाए, एकदम सॉफ्ट हो जाए, तो स्टेबिलिटी इसकी बहुत ज़बरदस्त मुझे लगी। दूसरी चीज़ इसकी अच्छी लगी मुझे पावर भी बहुत बढ़िया है। मतलब आपको समझ में आएगा कि आप प्रॉपर डीजल इंजन आप चला रहे हो। सो जो इसकी इंजन है वो भी बहुत मुझे ज़बरदस्त लगी, प्रॉपर हाईवे पे भी, और आप कह सकते हो पिकअप वाइज भी, तो मुझे बहुत अच्छा इसका फीडबैक मिला। मैंने पहले भी बताया था कि मतलब इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बहुत बढ़िया है, तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। जैसे आपको छोटे छोटे गड्ढे और ऑफ रोडिंग हल्का फुल्का करते हो तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि जो इसका ऑफ व्हील्स के इसके फायदे क्या है। और नेक्स्ट चीज़ मुझे जो इसमें थोड़ी बहुत लग रही खराब की वो चीज़ है कि जैसे इसका जो सस्पेंशन है वो थोड़ा स्टिफ है, उसकी वजह से क्या होता है कि अगर बड़े बड़े गड्ढे में जाए तो इसमें ठक से एक ऐसे आवाज़ आती है। तो मतलब आपको इसमें क्या होता है कि स्टिफ रिस्पॉन्स मिलता है, जो हार्ड रिस्पॉन्स मिलता है, तो उतना सॉफ्ट नहीं है इसका सस्पेंशन, तो वो एक इसमें इशू आ रही है। बात करता हूँ माइलेज की। कंपनी क्लेम करती है अराउंड 24 किलोमीटर पर लीटर, बट अगर आप सिटी में चलाओ रियलिटी कुछ और है। सिटी में चलाओ अराउंड मैंने 16,000 किलोमीटर चलाया, एवरेज मैंने अगर दिखाऊं तो आपको, अभी का अगर मैं दिखाऊं आपको एवरेज, तो अराउंड 16.9 किलोमीटर, 17 अराउंड अप्रॉक्स 17 का ये माइलेज दे रही है सिटी में। और मैक्सिमम ये आपको, मैंने इस गाड़ी को अराउंड 20-21 तक मैं लेके गया हूँ सिटी के बाहर। तो इससे अगर आप 6th गियर में, टॉप गियर में 80 के अप्रॉक्स चलाते हो, 80-90 या 80-200 के बीच में, तो आपको इसको आप अराउंड 21-22 तक का भी आप इसको ले जा सकते हो। मैंने अराउंड इसको 21 तक के टॉप माइलेज पे मैं इसको लेके जा चुका हूँ। So I hope you like my video, so kindly subscribe my channel and share and like the video and provide support to my video and my channel for new and exciting vlogs and videos. Thank you so much.